हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर टू पॉलीनोमियल्स, जिसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। यहाँ पर कुछ पॉलीनोमियल्स आपको गिवन है और इनकी आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री मीन्स पता होना चाहिए, टर्म्स डिग्री यूज मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको डिग्री का मतलब पता होगा जब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री मींस क्या होता है, तो देखिए डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होगी, पॉलीनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉलीनोमियल की आप मुझे डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मींस यहाँ पर देखिए एक्स की पावर थ्री है, एक्स की पावर टू है, और यहाँ पर एक्स की पावर कांस्टेंट टर्म के पास में क्या होती है, वेरिएबल की पावर जीरो होती है, एक्स की पावर जीरो। ठीक है, अब मुझे बताइए जीरो टू एंड थ्री ये पावर है, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, तो आप कहोगे थ्री ग्रेटेस्ट है, मतलब डिग्री भी क्या होगी इस पॉलीनोमियल की, थ्री होगी। क्लियर है बात, मतलब हमें हाईएस्ट पावर को देखना होता है वही हमारी डिग्री होती है पॉलीनोमियल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 5x क्यूब, तो हम लिख लेते हैं डिग्री ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू, क्या होगी बताओ डिग्री इसकी, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी बताइए। ठीक है, बताइए डिग्री ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 2 एंड यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। 3, 2, 1 में कौन ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट कौन है, 3 है, मतलब डिग्री क्या होगी हमारी इज 3। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज, अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, तो y के पास में 2 है पावर और यहाँ पर तो कोई पावर ही नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुई, इसके पास में कांस्टेंट वैल्यू के पास में 0 होती है पावर, तो y की पावर 0 है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, y की पावर 2, मतलब 2, तो हम लिखेंगे इस 2। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, मतलब आपको हाईएस्ट पावर को फोकस करना होता है बस। यहाँ पर देखिए डिग्री निकालनी है अपने को किसकी, 5t माइनस रूट 7 की। ठीक है, तो 5t माइनस रूट 7 की डिग्री क्या है, तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल t आ रहा है, वेरिएबल को देखना है बस, वेरिएबल की पावर देखिए यहाँ पर t की पावर 1 है, t की पावर 1 होने का मतलब है ओनली t की पावर 1 ही है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, t की पावर 1 ही है, तो डिग्री भी क्या होगी, ओनली 1 ही होगी, जब खुद अकेली ही पावर है तो वही डिग्री होगी, हाईएस्ट क्या देखना फिर। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ है हमारे पास में कॉन्स्टेंट वैल्यू, डिग्री ऑफ ओनली पॉलीनोमियल आपका 3 है, इसकी आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है, तो ओनली 3 है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू के पास में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, और वेरिएबल की पावर 0 है इसका मतलब है कि ओनली 1 ही टर्म है और वो खुद ही है और उसकी पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री क्या होगी, ओनली 0 होगी। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, कितना इजी क्वेश्चन था, आपको डिग्री फाइंड करना है, डिग्री मींस पता होना चाहिए, बस सिंपल सा है कि हाईएस्ट पावर मींस क्या होता है, हमारा डिग्री होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।